Action. Ta-da. कोर्ट प्रेसिडेंट रहेगा थोड़ा पीछे जाओ इसको वही भेज दो हां वो ओके सुनो मैं सेटिंग कर रहा हूं सॉरी चीट कर रहा था ना सर हां सॉरी यस फाइन हां एडवांस थोड़ा सा भाई जा एक्शन देखो अब तो हमारा दफ्तर भी खुल गया है अब पूरा दिन काम करेंगे और सबसे पहले तुम्हारे ही केस निपटाएंगे देख लेना उसको थोड़ा सा और कितना उसको रेडी कर लेते हैं हां ये रोटी का भी हां तुम्हें तो और अब तो दादाजी ने इतना अच्छा दफ्तर भी दिला दिया है दिन रात काम करेंगे जुटा देंगे सारी मेहनत ढूंढ निकालेंगे उसे चिंता मत करो सर सॉरी वन मोर प्लीज सॉरी और दादाजी ने इतना अच्छा दफ्तर खोल के दिया है अब तो दिन रात काम करेंगे मेहनत करेंगे और सबसे पहले तुम्हारा ही केस निपटाएंगे देख लेना शेख तुमने रखा नहीं यार अंदर होल्ड तुम मैं बोलता हूँ फोन के लिए रोड एक्शन उधर से टर्न किया इधर टेंशन बिना फोकस के चलना चल रहा है राइट ये यहां पर ले जा सोच रहा है क्या करूँ सब कुछ गड़बड़ हो गया सब कुछ गड़बड़ आ गया मैं क्या करूंगा शेयर और
अपने नाम डाल रहा हो तो क्या कुछ लोग देना सर लुक देना रोलिंग लुक देना पर वॉइस पर स्टार्ट होगा रोलिंग एंड लुक देना वॉइस से स्टार्ट होगा जब ये लुक देगा तो एंड एक्शन खाली अब तुम चाहे जितना फोन करो हम तुम्हें बिग बॉस से बात करने के लिए तुम्हारा नंबर हमने ब्लैक कर ब्लॉक कर दिया है और मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे साथ क्या नाम बदलने से तुम कुछ बस रोलिंग मैं आऊं क्या हां तो वो एक कैमरा बना रोलिंग तुम चाहे जितना फोन करो हम तुम्हें विप्लो से बात करने नहीं देंगे तुम्हारा नंबर हमने ब्लैक ब्लॉक कर दिया और मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है नाम बदलने से तुम बच नहीं सकते मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे की सजा जरूर दूंगा विप्लव को देखा शेर जैसे हाथ में लेगा शॉट देखना इसको देखना तो मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ ये सब रोलिंग हाथ से लेने से रोलिंग एंड एक्शन उसको देखो खोलने जा रहा पेपर को देखा देखा और पेपर पकड़ा फटाक से रहने तो ना इसकी कोई जरूरत नहीं अब विप्लव ये वो लड़की नहीं जिसने हमारे भाई का खून किया था दरअसल गलती हमारी है उस स्केच आर्टिस्ट को हमने ठीक से कुछ बताया नहीं ना ये वो लड़की नहीं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ठीक है तुम चिंता मत करो हमारे पास उसकी डिटेल है ना हम उससे कहीं ना कहीं से रूम ही निकालेंगे अब जबकि ऑफिस दे दिया दादाजी ने दिन रात यही बैठ के काम करेंगे और सबसे पहले तुम्हारा किसी निपटाएंगे अरे यार अभिषेक की चिंता बंद करेगा ठीक कर तो इस सीन में मुझे पहली बार पता चलता है कि जिस सुमन जो मेरे पास से कनेक्टेड है वो एक्चुअली धानी है और वो विप्लव की गर्लफ्रेंड है सो विप्लव और हमारी इस बारे में बहुत सारी बातचीत पहले हुई होती है मैं विप्लव को जाके बोलता भी हूँ एक सुमन करके लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ जो मेरे भाई की कातिल है पर मुझे कभी आइडिया नहीं होता है कि सुमन एक्चुअली विप्लव की गर्लफ्रेंड या वाइफ है सो ये वो सीन है जहाँ पे मैं ऑफिस में आता हूँ और पहली बार मुझे पता चलता है कि अरे यार सुमन ने तो अपना नाम बदल के धानी रख लिया और ये धानी है बहुत ही प्यारा दिन है सभी दर्शकों को और ऑल द वुमेन्स आउट देयर विश यू वेरी हैप्पी वुमेन्स डे आई थिंक अगर आप लोग ना होते तो हम ना होते आप लोग इस दुनिया को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हो सो तय दिल से मैं सारे दर्शकों को और जितने मैं जितने जनों को जानता हूँ हमारे मेरे लाइफ में उनको सबको विश करना चाहूँगा थैंक यू सर आज एक सर्वे हुआ है सर्वे के हिसाब से एरियल के सर्वे के एरियल इंडिया के सर्वे के हिसाब से ये बताया गया है कि 70% हस्बैंड एंड चिल्ड्रन ये सोचते हैं कि जो भी घर के काम है जैसे कि लॉन्ड्री या तो किचन के काम ये सारे सिर्फ औरतें ही करेंगी ये उनका सोच है इंडिया का जी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ऐसा सोच है तो आई थिंक हमें सोच बदलनी चाहिए ज़माना बदल गया है जैसे आपको पता होगा कि एयर इंडिया ने एक फ्लाइट टेक ऑफ की है जहाँ पे आज सब कैबिन क्रू उनकी औरतें हैं और उनके पायलट भी औरतें हैं दिस इज़ द फर्स्ट फ्लाइट दे आर ऑपरेटिंग डायरेक्टली टू इफ आई एम नॉट मिस्टेकन न्यूयॉर्क सो यही बता देता है कि अभी वो हमसे साथ साथ ही नहीं हमसे आगे भी चल रही हैं सो जो औरत प्लेन उड़ा सकती है आई थिंक उसे हमें फोर्स नहीं करना चाहिए उसके बारे में ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि यार वो घर आके हमारे बर्तन मांजेगी या लॉन्ड्री करेगी आई थिंक वो हम भी कर सकते हैं वो भी कर सकती है ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो यू नो वो नहीं कर सकती इनफैक्ट ऐसी काफ़ी चीज़ें जो हम मर्द नहीं कर सकते जैसे हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो उसी वे में आई थिंक वो हमसे बहुत सुपीरियर है तो ये थिंकिंग अनफॉर्चुनेटली मुझे पता है हमारे देश में है बट थोड़ी सी ये चेंज होनी चाहिए सर ये चेंज होने के लिए आपके हिसाब से क्या कदम उठाना चाहिए आई थिंक हमें बींग एन एक्टर और बींग टेलीविजन मीडियम से जैसे मैं एसोसिएटेड हूँ हमें उस तरह के शोज़ बनाने चाहिए
हमारे शोज के थ्रू दिखाना चाहिए कि नहीं यार, बीइंग अ वुमेन इन हाउस और अ हाउस मेकर सिर्फ यही नहीं करती, वो समाज सुधार सकती है, वो एक टीचर है, वो घर पे अगर जैसे बोलते हैं कि अगर एक औरत सीखी होगी तो और 10 जनों को सिखाएगी, सो हमारे इस माध्यम से आई थिंक हमें पब्लिक की तरफ, पब्लिक को रीच होना चाहिए और उन्हें ये मैसेज देना चाहिए इस टीवी के माध्यम से, और टीवी का माध्यम मेरे हिसाब से बहुत बड़ा माध्यम है ये मैसेज देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ने मुझे बहुत प्यार दिया है मेरे पहले वाले शोज़ के लिए, और अभी बस ये शो में मेरी एंट्री हुई है। इनफैक्ट आज ये मेरा 11वां दिन है शूट का और बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, शो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ देखिए इश्क रंग सफ़ेद। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव ऑलवेज। थैंक यू। बहुत ही अलग, पहले के 2 शोज में मैं काफ़ी मेट्रो लड़का था जो इंग्लिश के साथ में हिंदी बोलता था, हिंदी के साथ में इंग्लिश बोलता था। ये शो में रोल काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं एक स्मॉल टाउन लड़का प्ले कर रहा हूँ फ्रॉम इलाहाबाद, फिर कानपुर, फिर फाइनली ये बनारस में आता है, तो इसमें मुझे शुद्ध हिंदी बोलनी पड़ रही है, तो मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ, काफ़ी डिफरेंट है मेरे पहले वाले किरदारों से। जी, लुकिंग फॉरवर्ड, होपफुली शूट से मुझे छुट्टी हो ताकि मैं अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ मना सकूं, और बहुत ही प्यारा त्यौहार है, बस हमें इंजॉय करना चाहिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बस सेफली विदाउट किसी को छेड़खानी के, यू नो, उससे थोड़ा दूर रह के अच्छे वे में इंजॉय करना चाहिए।